हाईवे, ये बेसिकली घाट्स और बहुत ही अच्छी रोड बनाया है इसे। दोनों तरफ बहुत ही खूबसूरत माउंटेन्स देखने मिलेंगे, टनल्स आएंगे तो। और यहाँ पर ही पास ही में लोनावाला और खंडाला है, जहाँ लोग छुट्टियाँ बनाने आते हैं मुंबई जैसे और पुणे से बेसिकली। तो ये है पुणे का क्रिकेट स्टेडियम, थोड़ा पुणे सिटी से बाहर था। हम आगे बढ़े तो हम थोड़ी देर में पहुंच गए पुणे की मेन सिटी। अभी आप जो देख रहे हो ये पुणे की मेन सिटी है। ये पुणे सिटी के अंदर कहीं तो एक कोई तो आर्मी एरिया था, वहाँ पर ये फ्लैग था इंडिया का, तो मैं उस पर जूम करके ट्राई कर रहा था क्लियर पिक लेने के लिए। जूम किया तो पेड़ ही जूम हो गया सीधा। ये रोड पे कुछ अच्छे पेड़ दिख रहे थे तो हम इस चीज़ का वीडियो बना लिए। आप देख सकते कुछ अलग टाइप के पेड़ दिख रहे थे एकदम रोड के बीचों बीच। तो अभी हम लोग पुणे क्रॉस कर लिए थे और ये पुणे सोलापुर रोड है रूट 65 जो मैंने फॉलो कर रहे थे हम लोग। उसकी थोड़ी देर के बाद हम पहुंच गए थे एक बर्ड सेंचुरी। आप देख सकते हो वहाँ पर बर्ड्स के फॉर्मेशन, शायद आपको वीडियो में क्लियर दिख नहीं रहेगा, पर वो बर्ड्स बहुत ही अलग अलग तरीके के फॉर्मेशंस कर रहे थे वहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। हम रुके नहीं बर्ड सेंचुरी पे, हम आगे बढ़ गए। ये वो बर्ड सेंचुरी दूर से, वो लेक दिख रहा है उसी के पास है। फिर हम सोलापुर पहुँचे उस रात को, और सोलापुर में एक रात रुकने के बाद नेक्स्ट डे हम सोलापुर से निकले। ये सोलापुर सिटी है, यहाँ पर एक्चुअली कुछ मिला नहीं खाने के हिसाब से देखा जाए तो, इतना कुछ खास लगा नहीं मुझे सिटी। प्लस ये सिटी में हम लोग को फोर्ट देखना था, लेकिन वो फोर्ट कोविड की वजह से बंद था तो हम वो फोर्ट जा नहीं पाए। उसके बाद फिर हम सोलापुर सिटी क्रॉस किए और फिर आप फिर व्यूज़ देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ थे सोलापुर क्रॉस करने के बाद। अभी हम कर्नाटका बॉर्डर की तरफ से बढ़ रहे हैं। हम लोग कुछ ही टाइम में नालदुर्ग फोर्ट पहुंचे। हम लोग ये फोर्ट पे रुके नहीं, लेकिन बहुत ही बड़ा बहुत ही खूबसूरत फोर्ट दिख रहा था हमें ऑन दी वे, तो आप देख सकते हो फोर्ट। फिर कुछ ही देर में हम पहुंच गए थे कर्नाटका बॉर्डर। ये कर्नाटका बॉर्डर का व्यू है। यहाँ पर कोविड का टेस्ट हुआ था, हम लोग का कोविड रिपोर्ट मांगी गई थी कर्नाटका बॉर्डर पे, देन आफ्टर क्रॉसिंग कर्नाटका बॉर्डर। ये सब व्यूज़ थे। और फिर कुछ ही देर में हम हैदराबाद का आउटर रिंग रोड पहुँचे। बहुत ही वाइड रोड है जो बैंगलोर की तरफ जाती है, काफ़ी वाइड रोड थी, बहुत ही खाली खाली रोड थी, तो इधर गाड़ी भगाने में बहुत मज़ा आ रहा था।
फिर हम कुछ ही देर में हैदराबाद की सिटी पहुँचे। आप जैसे कि देख सकते हो ये हैदराबाद सिटी है, हम घुस गए थे हैदराबाद सिटी में। हैदराबाद की सिटी काफ़ी हद तक मुझे मुंबई की सिटी की तरह ही लगी, कुछ ज़्यादा डिफरेंस दिखा नहीं मुझे, मतलब ऑलमोस्ट मुंबई जैसा ही सब चीज़, रोड्स एंड ऑल, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स मुंबई की तरह दिख रहा था। अगर आप ओल्ड हैदराबाद जाओगे तो आप समझ लो आप मुंबई का भिंडी बाज़ार जो है वही एरिया रहता है, ऑलमोस्ट वैसे ही दिखा मुझे, मेरा प्रोस्पेक्टिव है। अभी आप जो नेक्स्ट देखोगे वो थोड़ा खार एरिया टाइप लगा मुझे मुंबई का, ये मुंबई का थोड़ा खार एरिया टाइप लग रहा था। आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में आपको ये कौन सा एरिया टाइप दिख रहा है मुंबई का। यहाँ पर ट्रैफिक रूल्स कोई फॉलो नहीं करता, बहुत कहीं से भी कोई भी गाड़ी घुसा देता है। प्लस हैदराबाद सिटी में मैंने देखा कि रोड क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर सबवेज या फुट ओवर ब्रिजेस मैंने कहीं नहीं देखा था, यहाँ पर सब हाथ दिखा दिखा के रोड क्रॉस करते हैं, बहुत ही डेंजरस है जब आपको कोई हाई बड़ी रोड या कुछ क्रॉस करना रहता है यहाँ पर। उसके बाद ये मेन हैदराबाद, आप देख सकते हो वो एक मीनार मस्जिद है, क्योंकि उसका एक ही मीनार है, इसे एक मीनार मस्जिद बोलते हैं हैदराबाद में। तो ये थी हम लोग की पूरी जर्नी मुंबई टू हैदराबाद। आगे मैं आपको बताऊंगा हैदराबाद सिटी के बारे में, हम लोग कहाँ कहाँ घूमे, क्या क्या खाए, उसका वीडियो। सो प्लीज़ स्टे ट्यून और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।